ये कुछ अरसा कबल बीबीसी पर एक प्रोग्राम आया था कि पाकिस्तान के बाज़ मज़हबी स्कूलों में बच्चों को बदनी सज़ाएं दी जाती हैं और तशद्दुद किया जाता है। इस पस मंज़र में एक दोस्त ने ये सवाल भिजवाया है कि अगर बच्चे तालीम से पहलू तही करें तो क्या असातिज़ा या वालदैन उन्हें बदनी सज़ा दे सकते हैं और किस हद तक? ये तो मुल्की कानून के मुताबिक होगा। मामूली बदनी सज़ा देना जो उनका मुस्तकबिल संवारने के लिए ज़रूरी हो, ये तो नमाज तक में जायज़ है, तो जिसमें रूहानी अमूर में कम से कम तशद्दुद का तसव्वुर पैदा तसव्वुर मौजूद है। ला इकराहे दीन के बावजूद अगर नमाज में छोटी उम्र में बच्चे को मामूली सज़ा दे दी जाए तो उसकी इजाज़त है 7 से 10 साल की उम्र के बच्चे को, इन शरायत के साथ के मुंह पे थप्पड़ नहीं मारना और कोई ऐसी सख्ती नहीं करनी जिससे उसके बच्चे को नुकसान पहुंच जाए। तो मामूली तादीब ये इंसानी फितरत में दाखिल है। सारी दुनिया में यूनिवर्सली इंसान मामूली तादीब करता है, यानी कुछ थोड़ी सी बदली सजा देकर बच्चों को कभी कभी संभालता है। इस्लाम में जो जोर है वो इस बात पर है कि बेहंगम सजा नहीं देनी, इश्तियाल में आके सजा नहीं देनी, बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाना, इस उम्र से नीचे बदनी सजा नहीं देनी, इस उम्र के बाद बदनी सजा नहीं देनी। तमाम इस्लामी कवानीन रोकें आयत करने वाले हैं, ना कि खुली छुट्टियां देने वाले। लेकिन ये दुरुस्त है कि स्कूलों में बाज़ दफ़ा बेधड़क मारने का रुझान और ज़ालिमाना तौर पर सजा देने का रुझान बन जाता है, जो उस्ताद की फितरत बन जाती है बजाय इसके कि इस्लाही निज़ाम का हिस्सा हो। इसलिए कादियान में हज़रत मुस्लिम माऊद ने बड़ी सख्ती से पाबंदी फरमा दी थी कि मामूली बदनी सजा जिसकी एक दो बैत की थी, जो हाथ को भी नुकसान ना पहुँचाएँ, कोई चोट ना लगे गहरी, उसके सिवा अंधाधुंध मानने की उस्तादों को इजाज़त नहीं। अगर कोई करेगा तो उसको सजा मिलेगी। चुनाचे अक्सर असातिज़ा इस पर अमल करते थे और अगर कोई शिकायत होती थी तो उनके खिलाफ कमीशन बैठता था। तो महदूद पैमाने पर सजा जो है वो कादियान में विराज रही, मगर बहुत एहतियात के निगरानी के साथ कि बच्चों पर ज्यादती ना हो। तो वही जवाब है जो पहले हमेशा से हमारा तामुल चला आ रहा है। Spare the rod, spoil the child. तो यहाँ भी तो काफ़ी अब मना किया है इन्होंने, पहले तो ये भी काफ़ी मारा करते थे स्कूलों में, काफ़ी ज़्यादा। हाँ जी, और अभी भी करते हैं, सजा देने वाले तो सजा दे जाते हैं, लेकिन बिल्कुल छुट्टी देना जो नुकसानदेह है उसके ऊपर, स्पेयर द रॉड के ऊपर पहले सख्ती से अमल उन्होंने इस तरह किया कि रॉड के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दे दिया। अब स्पॉइल द चाइल्ड पर जोर दे रहे हैं काफी, जिस तरह मुमकिन हो बच्चों को स्पॉइल कर दो। यहाँ तक कि बच्चे बाज़ दफा मारते हैं उस्तादियों को और उस्ताद भी डरते हैं बाज़ बच्चों से। यहाँ